मेरे हिंदी चैनल को वेलकम बच्चों। मैं आज मैं नमिता विश्वास एट कक्षा का 15 पाठ कविता का शीर्षक सूरदास के पद से दो पद सूरदास के दो पंक्तियाँ दो पद है इसको आज पाठन करूँगी। इसके रचयिता कौन है? कवि सूरदास है। तो इस कविता में कविता बसंत पुस्तक से आई हुई है 15 पाठ कविता का शीर्षक सूरदास के पद उन्हीं के दो पद है। क्या है? इधर माता जसोदा के वात्सल्य रस पूर्ण रूप से वर्णना की गई है जो श्री कृष्ण अपने माँ से बोलते हैं कि कैसे वो माँ अपनी दूध पिलाते हैं उनको किसी किसी बात बहाना बनाकर। तो इसे उनका कैसे श्री कृष्ण का शैतानी कैसे थी किस तरह से थी कैसे थी हट कर रहे थे उनके वात्सल्य रस के बारे में इसी के बारे में सूरदास ने इसी कविता में वर्णित किए हैं। तो इस कविता को मैं पहले पाठन कर रही हूँ। सूरदास के पद मैया कबही बढ़ेगी चोटी कितनी बार होगी दूध विपद किसी बार मोहे दूध पियत भई वो बजहू चोटी तुझो कहती बल्कि बेनी जय हे है लाभ मोटी काढ़त गुड़त नहा बावत जैसे नागिन सी मुँह लोटी कांची दूध पियावत पची पची देती न माखन नोटी सूर चिरजीवी दो भैया हरिहल दर की जेटी। तो इधर श्री कृष्ण ने अपनी माता को बोलते हैं मैया कभी बढ़ेगी मेरी छोटी जी माँ। तब तो जसोदा माँ से कहती है माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। सूरदास ने वात्सल्य ममता माँ और जसोदा माता और श्री कृष्ण के बारे में बहुत वात्सल्य रस से वर्णित किए बहुत अच्छी कविता है बच्चों। अभी मैं पढ़ रहा हूँ और पढ़ दी तो दिया उसका पहले पंक्ति सुना समझा रहा हूँ। श्री कृष्ण अपनी माँ से बोल रहे थे दे जसोदा माँ से कहते हैं माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी मुझे दूध पीते हुए इतना समय हो गया लेकिन ये तो अब भी छोटी है। वो बोलते हैं सब समय तो दूध पीती हूँ दूध पीते हुए मेरे को बहुत समय होगा फिर भी मेरा चोटी नहीं बढ़े। तू जो कहती बल्कि बनी जऊँ जो लमकी मोटी काढ़त गुजर तब भाई नागिन भोए लोटी। तो अपने तो कहा था कि दूध पीने से मेरी छोटी सी बेल की तरह लंबी और मोटी हो जाए बेटी तो मोटी हो जाएगी। तो फिर क्या हुआ अभी तक मेरी छोटी नहीं बढ़ी। तो काढ़त गुवत नवा तो नागिन मुँह मोटी रोटी कांची दूध पियावत पची दे नाते माखन रोटी सूर से भी दौड़ भैया हरी हल्दल की जोटी दे बोल रही थी मोटी हो जाएगी फिर उसे कंधी कड़ा जाएगी घुस जाएगा फिर ने नहाते समय वो किसी नागिन की तरह लहराएगी। जब मेरी लंबा चोटी हो जाएगी चोटी पानी नहाते समय भीग जाएगी तो नागिन तरह लहता है वही वो तो नागिन तरह लहरा जाएगी। फिर काना अपनी माँ से शिकायत करके उन्होंने चोटी की लालाप देकर उन्हें कच्चा दूध पिला तू मेरे को चोटी की लालच देकर मेरे कच्चा दूध खिलाती थी पिलाती थी जबकि उसे माखन की रोटी जो बोलते माखन की जब देती ना माखन की रोटी पसंद उसको नहीं देती थी। अंतिम पंक्ति में कहते सूरदास काना बरबाल की जोड़ी और गुद होकर उम्र की कामना कहती थी चिरजीवी दो भैया हल्दर की जोटी हरी हल्दर की जोटी। तो जोड़ी मुख्य होकर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। दूसरी पंक्ति हम लोग पढ़ेंगे क्या तेरे लाल मेरी माखन खाई दुहर दिवस जन घर सुनो ढूंढ ढूंढ और अपने आओ कोली की बारे पोठी मंदिर में दुविधे सब चकन खता हो उखल चोरी सिक्के के लोल ने मन बाबत भू मैं ढकरा हो दिन प्रति जहनी हित भरस की यहाँ छोटे कौन ढंड लाओ सूर श्याम को अटकी न रखो तैंकी भूत पनोखी गाओ। तो बच्चों कवि सूरदास दूसरी पंक्ति में तेरा लाल मेरी माखन खाओ दोपहर दिवस सुनो जी बच्चा आप लाओ। तो बोल सुन सूरदास ने ये अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि अपना यह पद का नाम माखन चोरी की लीला समर्पित किया है। गोपी जसोदा के पास आकर कहती है खोली की बड़ी पोटी मंदिर दूर दही सब सखन खताओ उखल चढ़ी सिके ले अपन मात भूख धरवाए। वो बोलते हैं सब गोपियाँ आकर अपनी जसोदा माता से पास आकर कहती है जसोदा तुम्हारे पुत्र कृष्ण हमारे माखन चोरी करके सब खा लिया है आकर वो बोलते हैं। तो दोपहर में दो बोलते हैं कि दिन में प्रति होती गौरव छः छोटा के कन लाओ सूर्य श्याम हट की न रखो पुतु अनोखी जमाओ। दे दोपहर के घर में सुना देकर घर में घुस गया है और अपने दोस्तों को साथ मिलकर सारा दूध दही पी लिया है। तो अंतिम पेज में अंतिम पंक्ति में सूरदास जी ने लिखे कवि सूरदास ने लिखे हैं
जे कान्हा अपने माखन चोरी लीला समर्पित इसी इसी पंक्ति में, पहले पंक्ति में कि अपने माँ को दूध पिला था कैसे, उसके बारे में छोटी नहीं बड़ा बोला। दूसरी पंक्ति में किसी ने दोस्तों के साथ माखन चोरी कर खा रहा था, तो गोपियाँ आकर माता जसोदा को अपने श्री कृष्ण को बोल रहे थे जे दो पैर में घर में सुना हो जाता है, सब चौदह दादा दादू दो पैर होता है, तभी तो अपने दोस्तों के साथ घर में घुसकर जाकर मिलकर सारा दूध दही खा जाता है। कौन? कृष्ण, श्री कृष्ण। तो वही गोपियाँ आकर माता जसोदा को बोलते हैं, बड़ी अच्छी है सूरदास के हर पंक्ति बहुत अच्छी है। तो इसी भाई इसी कविता पूरी तरह है माँ वात्सल्य ममता जैसे वात्सल्य रस से लिखी गई है। तो बच्चों इसका पाठन और पंक्तियाँ समझा दी हूँ सूरदास के, अभी हम इसका सूरदास के पद का अभी प्रश्नोत्तर हम लोग ये कविता का करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पद से क्या, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार होता है? माता जसोदा बता, दूध पीने के लिए उनकी चोटी बलराम भैया की तरह उन्हें हो जाएगी, श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम की चोटी की तरह मोटी लंबी हो जाएगी, लोभ दिखाकर दूध पिलाते थे। दूसरी प्रश्न, श्री कृष्ण अपनी बेटी के विषय में क्या कहते हैं कि विषय में कहते हैं कि उनकी चोटी बलराम भैया जैसे लंबी हो जाएगी, वो नागिन जैसे लहराएगी। तीन प्रश्न क्या है, तीन प्रश्न, दूध की तुलना श्री कृष्ण कैसे शायद पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? तो माखन रोटी वो पसंद करते हैं। चार क्वेश्चन क्या है, चार, तय है पुतु अनोखी जाए पंक्तियों में केवल मन में भाव मुखोति क्या है? पंक्तियों में घाम में जसोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र ईश्वर भावना के कृष्ण उनका माखन चुनने का मुख्य रीत किया है, इसलिए जसोदा माता उल्लान उदाहरण दे रहे हैं। पांच प्रश्न किया है, मक्खन चुराने का खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा देते हैं, श्री कृष्ण को माखन उस दिन ढोके से पुराना दिक्कत इसलिए माखन गिर जाता है, तथा चुराने के समय आधा माखन खुद खा जाते हैं जिसके कारण माखन जगह जगह कर जमीन जमीन में पड़ जाता है। तो छः नंबर क्वेश्चन किया है, दोनों पदों में आपको कौन सा पद अधिक लगा? तब एक दिन माता जसोदा प्रलोभित हो जाते हैं, तो नित्य कच्चा दूध पीकर इससे पहला पद अच्छा लगता है क्योंकि पीने के बोलते हैं पी देता है छोटी नहीं बढ़ता है, उसी के बने वह माता को कंप्लेन करते हैं पीने घटा हटने का बड़ा भैया छोटी बड़ा हो जाए तो वो जल्द पी दूध पी दे तो हमारा भी वैसे बड़ा होगा आपकी तरह ले रहेगा जब नहाते समय। अनुवाद कल्पना क्या है, दूसरे पद को पढ़ाकर बनाइए आपको अनुसार समझे उसमें उम्र क्या होगी? चार, चार से सात साल रही होगी, उनके छोटे छोटे हाथों में सावधानी बरतने माखन बिखर जाता है, इसीलिए ऐसा हुआ कभी भी माँ ने बनाया तो बनने की बोलब तो किसी स्वादिष्ट पर तो अपने छुपे छुपे थोड़ा खा लिया है, कोई बहाना बनाया अपनी अपनी तुलना की बच्चों स्वयं आपकी कैसे आपका कैसे ही आप अपनी माँ के साथ अपनी बात करते हो तो उसी के बारे में आपकी सारे रथ में तो उसके बारे में बात करके आप खुद ही लिख सकते हो। किसी ऐसी घटना विषय लिखते हैं जब किसी आपको शिकायत और फिर आपके किसी अभिव्यस्त माता पिता बड़ा भाई बहन आपसे उत्तर मांगा हो और मांगे हैं पढ़ाई माता किसी आपके शिकायत किसी शिकायत है कौन सी पढ़ाई की हो खेलने के बाद में मांगते हो बच्चों स्वयं लिखो आप अपनी माता बड़ा भाई बात से जो शिकायत करते हो उसके बारे में आप थोड़ी सी लिख सकते हो। भाषा के गीत क्या है, श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा कर खाते हैं इसलिए माखन चुरा वाला कहा जाता है, इसके शब्द क्या है? माखन चुरा वाला माखन चोर, श्री कृष्ण के प्रजापति शब्द क्या है? श्री कृष्ण गोविंद रचोर तो वही बोलते भाषापति पुराने के लिए इसलिए एक शब्द में लिख चुरा चुरा खाने के इसलिए चुराने वाले को कहा गया, इसके लिए शब्द लिखे क्या है? गोविंद और माखन चोर ऐसे श्री कृष्ण के लिए पांच प्रजा बच्ची श्री कृष्ण के लिए पांच बच्चा बच्ची क्या है ये रण चोर मुरलीधर गोविंद वासुदेव
और क्या? नंदलाल, ना नंद, नंदलाल। तो श्री कृष्ण गोपियों को माखन चुराचोर स्वादिष्ट क्या कहते हैं? माखन चोर कहते हैं इसको। तो श्री कृष्ण के पांच परिचय बच्चों के रणचोर, मुरलीधर, गोविंद, वासुदेव और नंदलाल। तो बच्चों श्री कृष्ण क्या है? कुछ बात परस्पर मिलते जुलते अर्थवादी प्रजावाची और कुछ विपरीत अर्थ समानार्थी। विपरीत अर्थ क्या होता है? प्रजावाची क्या है? ब्रह्म चंद्र राशि का। विपरीत क्या होता है? दिन का रात, शीत का शाम, शीत का ओस। प्रजापति होता है चंद्रमा राशि, चंद्र का मधुकर, भ्रमर मा का मधुप्रभ, रवि। रवि का है, रवि का होता है सूर्य, भानु, रवि, दिवाकर। सूर्य का होता है विपरीत होता है दिन का रात, श्वेत का श्याम, शीत का उष्म। तो बच्चों अभी हमारा जो आठ पाठ का 15 पाठ कविता का शीर्षक, कवि सूरदास ने सूरदास के पद में दो पद वात्सल्य ममता से पूर्ण हुई ये कविता। बहुत अच्छी कविता है श्री कृष्ण के बारे में। इसका पाठन और 16 पंक्ति सब जाकर प्रश्नोत्तर अभ्यास हमने कर ली। तो बच्चों मेरे वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। दूसरे वीडियो आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।